लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। आरबीआई के अनुसार कि ठगी होने की तारीख और ठगी के पता चलने की तारीख मींस फ्रॉड होने की तारीख और फ्रॉड के पता चलने की तारीख में 2021 के जो फ्रॉड है उसमें 23 महीने का ऑन एन एवरेज लैग है और 19-20 में 24 महीने का लैग है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो 2021 में जो फ्रॉड हुए 1,38,000 करोड़ के, ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में 2018-19 में घुसे थे। किसकी सरकार थी 2018-19 में, देश को पता है। ये आरबीआई की रिपोर्ट का ही हवाला दे रहा हूं। एवरेज टाइम लैग है 2020-21 के फ्रॉड का 23 महीने, जो कि 2020-21 में फ्रॉड हुआ 1,38,422 करोड़ का और 2019-20 में टोटल फ्रॉड हुआ 1,85,468 करोड़ का, उसमें एवरेज टाइम लैग है 24 महीने। मींस जो 2020-21 में 19-20 में जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 2016-17 और 17-18 के मध्य। किसकी सरकार थी उस दौरान कब? अब आप ये भी नहीं कह सकते कि पुरानी सरकार एक दोषी है, क्योंकि रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से साफ लिखा गया है कि एवरेज टाइम लैग जो फ्रॉड्स में था वो 23 महीने और 24 19-20 में जो 1,85,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ और 2021 में जो 1,38,422 का फ्रॉड हुआ, इनका एवरेज टाइम लैग 24 महीने और 23 महीने। मतलब ये फ्रॉड बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 24 महीने पहले, तो 2019-20 के 24 महीने पहले किसकी सरकार थी? 2020-21 के जो फ्रॉड हुए वो बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसे 23 महीने पहले, 23 महीने पहले किसकी सरकार थी? ना तो अब एक्ट ऑफ गॉड काम में आएगा, ना एक्ट ऑफ प्रीवियस गवर्नमेंट काम में आएगी आपकी। अब आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा है कि द एवरेज टाइम लैग फ्रॉड व्हेन द फ्रॉड एंटर्ड एंड द फ्रॉड रिकॉग्नाइज्ड इज 23 months एंड 24 months फॉर द ईयर 2020-21 एंड फॉर द ईयर 2019-2020।